बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र भूमि पर आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के जोहार। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश जनप्रतिनिधि अभिनंदन समारोह पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक प्रकाश जी, नेता विधायक दल श्री बाबूलाल मरांडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर दास जी, कोर कमेटी सदस्य दिनेशानंद गोस्वामी जी, रविंद्र कुमार राय जी, नागेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, कर्मवीर सिंह जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी, समीर उरांव जी, आशा लकड़ा जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी सांसद सम्माननीय पीएन सिंह जी, विद्युत वरण महतो जी, श्री विष्णुदयाल राम जी, श्री सुदर्शन भगत जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, गांव-गांव से आए हुए मुखिया उपमुखिया, पंचायत के सदस्यगण, बहनों भाइयों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके नाम में दीपक भी है और प्रकाश भी है। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि मुझे लगता है कि गुजरात में 1.5 लाख पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवाद किया था, वो संवाद था, लेकिन नवनिर्वाचित पंचायतों के प्रतिनिधियों का राज्य स्तर पर सम्मान शायद देश में पहली बार झारखंड ने किया, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को सबसे पहले मैं अभिनंदन, मेरी तरफ से मंच पे बैठे हुए सभी नेताओं की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। एक बात मैं अध्यक्ष जी हमेशा कहता हूं, इतिहास ऐसा ही नहीं लिखा जाता। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं मक्खन पर लकीर नहीं खींचता, मैं पत्थर पे लकीर खींचता हूं। वैसे ही मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ा के बोलता हूं कि मक्खन पर लकीर तो हर कोई खींचता है, लेकिन जो पत्थर पर लकीर खींचता है उसको दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। मोदी एक नाम नहीं है, एक विराट सामर्थ्य है। किस चीज का सामर्थ्य है? सामर्थ्य है सपनों का, सामर्थ्य है संकल्पों का, सामर्थ्य है देश के 130 करोड़ जनता के विश्वास का। सपना क्या? जो देश के 130 करोड़ जनता ने देखा था 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, हम लोगों ने बनाया। और संकल्प क्या? जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देखा था, पूरे देश के गांव-गांव को, शहर-शहर को विकास के माध्यम से इस ऊंचाई पर ले जाए कि विश्व के कोई भी देश के टक्कर का हमारा गांव बने, हमारा शहर बने, ये संकल्प। और आत्मविश्वास क्या? जो देश के 130 करोड़ जनता के आंखों में हम लोग विकास के माध्यम से, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में काम चल रहा है, उस काम के माध्यम से जो उनके आंखों में जो चमक देख रहे हैं, वो आत्मविश्वास है। ऐसा काम इसके पहले कभी हुआ नहीं। मैं हमेशा कहता हूं अध्यक्ष जी, एक रईस आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये पंडित नेहरू जी ने सिद्ध किया। एक किसान, गरीब घर से जन्मा हुआ आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिद्ध किया।
एक महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, ये इंदिरा गांधी जी ने सिद्ध किया। एक युवा प्रधानमंत्री बन सकता है, ये राजीव गांधी जी ने सिद्ध किया। एक राजा प्रधानमंत्री बन सकता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सिद्ध किया। इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये देवेगौड़ा जी ने सिद्ध किया। एक बुजुर्ग आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये मोरारजी देसाई ने सिद्ध किया। एक बुद्धिजीवी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, नरसिंह राव जी ने सिद्ध किया। इस देश में प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, ये मनमोहन सिंह जी ने सिद्ध किया। और बिना प्रधानमंत्री बने इस देश के ऊपर राज किया जा सकता है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने सिद्ध किया। लेकिन 8 साल के अंदर विश्व में भारत का नाम, भारत का सीना चौड़ा करने का काम एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सिद्ध किया। और हम सौभाग्यशाली है कि हम उनके कार्यकर्ता हैं, जो सोचते हैं कि मेरे गांव में रहने वाले लोगों को वो सुविधा दी जाए कि वो शहर की तरफ न आ। इसलिए विश्व के लगभग 197 देश जब एक साथ में आए यूनाइटेड नेशन में, और उन्होंने तय किया कि गांवों का विकास किस तरह होना चाहिए, और वहां पे सतत विकास लक्ष्य को उन लोगों ने ध्यान में रख के एक 17 गोल अपॉइंट किए, और 17 गोलों को 9 में सीमित करके पंचायत राज मंत्रालय हर राज्य के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। मैंने आपका अभिनंदन किया, मुझे पूरा हक है आपका अभिनंदन करने का। आज मैं यहां पे खड़ा हूं मोदी जी के आशीर्वाद से, केंद्र सरकार में पंचायती राज राज्य मंत्री बनने का मुझे मौका मिला, तो मैं आप ही में से यहां तक पहुंचा हूं। मैं सबसे पहले गांव का मुखिया बना, उसके बाद मैं तालुका पंचायत का मुखिया बना, उसके बाद जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग का चेयरमैन बना, फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, और फिर मोदी जी के आशीर्वाद से 2014 में पहली बार पार्लियामेंट में आया, 2019 में फिर एक बार आया, और आज अगर मैं मंत्री बन के खड़ा हूं तो मोदी जी का आशीर्वाद से है हूं। लेकिन जिस पद पे मैंने काम किया, गांव के मुखिया से लेके जो मैंने आपको गिनवाया, वो पदों पर मैंने काम किया, इसलिए मैं आज यहां तक आया हूं। आपको बधाई देते समय मैं यही उम्मीद आपसे रखता हूं कि आपको भी वहां से यहां पहुंचना है, इस तरह से आपको काम करना है, गांव के विकास में आपको योगदान देना है। गांव में जब विकास हम लोग करते हैं तो किस तरह से हमको विकास करना चाहिए, इसके बारे में हमको हमारी पूरी तैयारी करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए, साथ में सामान अगर कम रखेगा तो सफर का मजा आता है, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है, संगमरमर तो हमेशा पाँव फिसलते हैं। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं यारो, यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। जिसके पास सिर्फ सिक्के थे, मजे से भीगते रहे बारिश में, और जिसके जेब में नोट थे वो छत तलसते रह गए। तो नोट के लिए काम नहीं करने का, हमारे सारे साथियों ने यहाँ पे भाषण में कहा कि भ्रष्ट सरकार यहाँ पे काम कर रही है, तो हमको नोट के लिए काम नहीं करना है, हमको वोट के लिए काम करना है, और वोट तब मिलेगा जब आप समर्पण भाव से काम करोगे।
और समर्पण क्या होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमको सिखाया, समर्पण से काम किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं लेके जा सकता है। इसका इतर से कपड़े को महकना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको है कि आपको आपके काम से महकना है। जो मुखिया अपने काम से महकेगा उसकी महक तो दिन ब दिन हर एक गांव में पहुंचने का काम करेगी। और मुझे विश्वास है ये हमारे अध्यक्ष जी है, बाबूलाल मरांडी जी है, रघुवर दास जी है, इनके नेतृत्व में हमारे झारखंड के इस क्षेत्र से चुन के आए हुए हमारे सभी साथी ऐसा काम करेंगे कि एक दिन मैं विश्वास से कहता हूँ कि अगर पंचायतों का काम देखना है तो झारखंड के हमारे पंचायतों में जाके देखो, इस तरह का काम आपके माध्यम से होगा। मैं अध्यक्ष जी हमेशा कहते रहता हूँ मुखिया कैसे होता है। देखो हम लोग जितनी बड़ी जमीन हमारी होती है उतना बड़ा घर तो हम लोग नहीं बनाते, तो जितनी बड़ी जमीन होती है इतना बड़ा घर नहीं होता है, और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो छोटी सी चाबी के ऊपर भरोसा करके हम हमारे घर को लॉक लगा के घर से बाहर जाते हैं। ये चाबी के ऊपर हमें भरोसा होता है। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, आपके गांव ने आपको चाबी बनाया है, आपके भरोसे पे घर को छोड़ा, इस घर को सुरक्षित और विकास के माध्यम से ऊपर ले जाने का काम आपको करना है। और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर इसी तरह से काम करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथियों ने बात में बात कही कि भ्रष्ट सरकार है, सरकार काम नहीं करती है, केंद्र सरकार से जो पैसा आता है उसका विनियोग सही तरह से नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से फाइनेंस कमीशन स्थापित हुआ है तब से लेके 2014 तक बहुत कम पैसा इसको था। 13वें फाइनेंस कमीशन में 58,000 करोड़ का आवंटन था। आप सबके आशीर्वाद से देश में मोदी जी की सरकार आई और 14 फाइनेंस कमीशन का बजट का आवंटन 2,292 करोड़ रुपया हो गया, 3 गुना बजट बढ़ाया। और 15 फाइनेंस कमीशन आया और 15 फाइनेंस कमीशन में 2,36,000 करोड़ रुपए का बजट मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह क्यों बढ़ाया? कि गांव का विकास गांव के हाथ में देना चाहिए। पंचायतों को डायरेक्ट पैसा देने का काम फाइनेंस कमीशन से होता है। मेरा मंत्रालय पंचायत राज है, पंचायत राज मंत्रालय के सिफारिश से फाइनेंस कमीशन आपके पास डायरेक्ट फंड भेजता है। लेकिन दुख इस बात का होता है जिस जिस राज्य में ये फंड जाता है वहां पे मोदी जी का कोई नाम नहीं लेता है। मोदी जी लाल किले से जब बात करते हैं कि गांव के विकास के लिए 2,36,000 करोड़ रुपए हमने भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी है, जब आप गांव में काम चालू करेंगे तो आपके गांव में जो फाइनेंस कमीशन का फंड आया है हर एक गांव में मोदी जी के नाम का बोर्ड वहां पे लगना चाहिए, ताकि कोई भी राज्य सरकार ये नहीं बोले कि ये हमारे राज्य सरकार का पैसा है, राज्य सरकार का फंड है, ये भेजा हुआ फंड है, हमारे मोदी जी ने भेजा हुआ फंड है। अध्यक्ष जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मेरे मंत्रालय की एक और एक योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसके माध्यम से नवनिर्वाचित हमारे सारे जनप्रतिनिधि होते हैं इनको प्रशिक्षण देने के लिए हम हर एक राज्य को पैसा आवंटित करते हैं। 6 महीने के अंदर इनको प्रशिक्षण देना जरूरी है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से बात कर रहा था, इन्होंने कहा कि राज्य सरकार कराती ही नहीं है, तो जिला पंचायत के हमारे सभी साथी यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के पीछे पड़ के ये जो आपके प्रशिक्षण के लिए पैसा आया है
आपको प्रशिक्षण क्यों देना है? केंद्र सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की जो योजना है, ये आपके समझ में आए और राज्य और केंद्र सरकार के पीछे पड़ के अपने गांव के विकास में आप सही तरह से योगदान दे, इसलिए आपको प्रशिक्षण देने के लिए हमारे मंत्रालय से पैसा आता है। शायद इस राज्य में रघुवरदास जी इसलिए नहीं प्रशिक्षित करते होंगे, उनको लगता होगा कि यहाँ आदिवासी संख्या बहुत ज्यादा है, इनको हम लोग प्रशिक्षित करेंगे तो ये अगर प्रशिक्षित हो गए, इनको अगर मालूम पड़ेगा तो ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शायद ये करते नहीं होंगे। लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी, आप हमें भी लिखिए, अगर आपको प्रशिक्षण नहीं मिला तो हमें भी जानकारी दीजिए, हम भी राज्य सरकार को लेटर लिख के आपको प्रशिक्षित करने के बारे में उनको हमेशा उनके ऊपर प्रेशर करेंगे। दूसरा हमारा प्रशिक्षण होता है 2 साल के बाद हम लोग देते हैं, वो क्या प्रशिक्षण है? जैसे PFMS होता है, पब्लिक फाइनेंस मेंटेनेंस सिस्टम, अभी सब मोदी जी ने ऑनलाइन किया है, अपने ग्राम पंचायत में कोई काम करता है तो इसी सिस्टम से उसको पेमेंट देना है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन हमारे साथियों को अगर ये ट्रेनिंग ही नहीं मिला तो वो कैसे पेमेंट करेंगे? तो मेरा आपसे कहना है कि आप लोग ये सारी जो आपके लिए सुविधा निर्माण की गई है उसकी जानकारी अपने पास रखने का काम निश्चित तौर पर आपको करना पड़ेगा। मुझे पूछ रहे थे रघुवरदास जी 15 वित्त आयोग में कितना फंड झारखंड का आवंटित हुआ है। इस 2020-21 और 21-22 में लगभग 2938 करोड़ रुपया झारखंड राज्य को फाइनेंस कमीशन का हमारे मंत्रालय के सिफारिश से आया है। ये मोदी जी ने भेजा हुआ पैसा है, इसके ऊपर कोई हक नहीं दिखा सकता है, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है और ये 5 साल की योजना है। 5 साल में 8274 करोड़ रुपया ग्राम पंचायत को उनके हाथों में, सरपंच जो अपना GPDP जो ग्राम पंचायत में से GPDP हमारे पास भेजता है, कामों की प्रायोरिटी लेके भेजता है, उसी काम को करने के लिए ये फंड आपके पास दिया गया है। आप जिम्मेदारी से अगर ये काम करेंगे तो आपके गांव का विकास निश्चित तौर पर अच्छी तरह से होगा। आप ये काम करते समय मुझे बताया गया कि यह केंद्र सरकार हमारे से भेदभाव करता है, इस तरह से राज्य सरकार केंद्र सरकार की बदनामी करते रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार कभी भी किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता है। अभी पंचायतों के मुखिया का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, आपके पास आंकड़े दिए गए हैं, 4232 शायद पंचायतें हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी की जो पंचायतें आई है उसका भी आंकड़ा दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार से जो फंड आया वो सारे पंचायतों को दिया गया है। ये भेदभाव मोदी जी के खून में नहीं है, इसलिए मोदी जी हमेशा भाषण करते समय बोलते हैं मेरे 130 करोड़ देशवासी और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मोदी जी का संकल्प है, ये संकल्प से हमको काम करना चाहिए। हम इस तरह से काम करते हैं, ना जाति की राजनीति करेंगे ना धर्म की राजनीति करेंगे, कैसे हो मेरे गांव का विकास हम उस रणनीति पे बात करेंगे, गांव का विकास किस तरह से हो इस तरह की रणनीति हमारी है, वो रणनीति के ऊपर काम करने का काम हम लोग करते हैं। भारत नेट हमारी एक योजना है जो गांवों को इंटरनेट से जोड़ती है, ई ग्राम स्वराज के माध्यम से ग्राम पंचायत को, बहुत सारे ग्राम पंचायतों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अभी तक लगभग सभी देश के ग्राम पंचायतों ने 1,06,000 करोड़ का भुगतान ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से किया है। जब ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से भुगतान होता है तो भ्रष्टाचार करने का मौका किसी को नहीं मिलता है, इसलिए भारत नेट के माध्यम से हमारी जितनी भी पंचायतें जोड़ी गई है वो पंचायतों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ और आगे जो नई जोड़ी गई है उनको भी किस तरह से जोड़ा जाए इसके ऊपर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, मुझे पूर्व मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, एक स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को पंचायत राज दिन के दिन पर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। क्या है स्वामित्व योजना है? इतनी अच्छी योजना है उसके लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये योजना ऐसी है, पृथ्वी पर जब से मानव की निर्मिति हुई है जो लोग गांव में रहते हैं उसके घर का प्रॉपर्टी कार्ड उसके पास नहीं है। जब मोदी जी की सरकार आई
मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना लाई। स्वामित्व योजना के माध्यम से सैटेलाइट से सर्वे होता है हर एक गांव का। सर्वे होने के बाद सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसका मैपिंग होता है। मैपिंग करने के बाद सारी उसकी जानकारी निकाल के, कोई इसका ऑब्जेक्शन रहेगा तो ऑब्जेक्शन निकाल के 3 महीने के बाद उसको प्रॉपर्टी कार्ड मिलता है। जब आप शहर में रहते हो तो प्रॉपर्टी कार्ड की वैल्यू आपको पता होगी। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार के 1,35,000 फैमिलियों को एक साथ प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण ऑनलाइन किया था। उस प्रोग्राम में मैं भी उपस्थित था। ये प्रॉपर्टी कार्ड का फायदा क्या होता है, हमारा एक मोची का काम करने वाला हमारा भाई था, उससे सवाल किया प्रधानमंत्री जी ने। उसको पूछा, भैया आपके जीवन में क्या फर्क आया प्रॉपर्टी कार्ड देने से। उसने कहा कि मैं रास्ते पे मेरा दुकान लगा के बैठता था, मेरे पास मेरे घर का प्रॉपर्टी कार्ड आया, मैं बैंक में गया प्रॉपर्टी कार्ड लेके, मेरे को 1,20,000 का लोन मिला, उससे मैंने एक गाला भाड़े से लिया। उस वक्त जब मैं रस्ते पे बैठता था मेरी आमदनी होती थी 12,000 रुपया, अभी मैंने गाला डाला एक दुकान खरीदी तो दुकान में मेरी आमदनी दुगनी होकर 24,000 रुपया महीने का मेरे को मिल रहा है। ये परिवर्तन उस भाई के जीवन में आया। इस तरह से काम ये स्वामित्व योजना का है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया गया कि केंद्र सरकार ये ड्रोन से मैपिंग करके आपके जमीन का अधिग्रहण करेगी। मेरा आपसे कहना है, हमारे सारे जो मुखिया यहाँ पे बैठे हैं, आप यहाँ से जाने के बाद आप आग्रह धरिए कि हमारे गांव में मैपिंग करके हमें हमारा प्रॉपर्टी कार्ड दीजिए। प्रॉपर्टी कार्ड आपको मिलेगा तो आप उतने संपत्ति के मालिक बनोगे। अभी मैं भी गांव में रहता हूँ, मेरे घर को भी कुछ कीमत नहीं थी। जब प्रॉपर्टी कार्ड मिला तो मेरे जमीन की कीमत आ गई, उसकी कीमत बढ़ गई। तो आपके जमीन की कीमत आपको बढ़ानी है, इसलिए ये स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने लाया। राज्य सरकार अगर इसको गलत तरीके से आपके सामने पेश करती है तो हमें ध्यान देके इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहाँ पे बोलते हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है। अभी कल ही हमारे पत्रकार भाई यहाँ पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की किस्त 22वीं किस्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल रिलीज की। क्या उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के किसान है? ऐसे चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के किसानों को दिया है क्या? ऐसा नहीं होता है। देश के सारे किसान, देश में रहने वाला हर एक नागरिक वो हमारा है, ये भाव रहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने 70,000 करोड़ का ऋण माफ किया था किसानों का। अभी तक वही वो लोगों को बता रहे हैं हमने 70,000 करोड़ रुपये माफ किया, 70,000 करोड़। ये 22 किस्त जो गई है, 19,000 करोड़ की एक किस्त होती है, आप इसको 22 से गिनिए। आज तक हमारे किसान भाइयों के खातों में जो पैसा गया उसका टोटल हम करेंगे तो लगभग 2,00,000 करोड़ के ऊपर की ये अमाउंट हो जाती है। तो और जब तक ये योजना चालू रहेगी तब तक ये पैसा किसानों के खाते में जाता रहेगा। ये फायदा है। मैं अध्यक्ष जी करनाल गया था हरियाणा में, तो आपके यहाँ की एक सुपुत्री थी झारखंड की, वहाँ रहती थी, मैंने रिव्यू लिया था। रिव्यू लिया एक योजना का, जैसे वन रेशन वन नेशन। वो हमारी बहन मुझे बताने लगी कि पहले मुझे यहाँ पे अनाज नहीं मिलता था क्योंकि मेरा कार्ड झारखंड था, झारखंड का था, मैं रहती हूँ करनाल में हरियाणा में। तो ये योजना आने के बाद मुझे यहाँ पे अनाज मिलने लगा रेशन कार्ड पे, क्योंकि मेरा झारखंड का कार्ड वहाँ चलने लगा। मैंने उसको पूछा, बहन जी आप बताइए मुझे 15 दिन में कितने का अनाज खरीदती थी? बोलते मेरा फैमिली थोड़ा बड़ा है इसलिए मुझे 2,000 रुपये का सामान लगता था 15 दिन में, महीने का 4,000 रुपया हुआ। उस बहन का एक योजना आने के कारण 4,000 रुपया बचने लगा महीने का। ऐसे कितने फैमिली होंगे इस देश में जिनका पैसा इस योजना के माध्यम से बचता हो। आयुष्मान भारत योजना, ये योजना इस देश में क्रांति लाने वाली योजना है। एक वहीं पे करनाल में हमारा एक मुसलमान साथी था, उससे जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं 8 साल से घर के एक कोने में पड़ा था कॉट पे, मुझे ना उठने आता था ना चलने आता था क्योंकि मेरे दोनों घुटने खराब हो गए थे और घर में मेरे हालात ऐसे थे कि मेरा ऑपरेशन करने के लिए घर में पैसा नहीं था। और ये आयुष्मान भारत योजना आ गई, मेरा कार्ड बना, 3 महीने के अंदर मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उसने जो बात बोली
वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसने मुझे कहा कि सर, मैं भले मेरे घर से चल के मेरे पैरों पे यहां पे आया हूं डीसी ऑफिस में, मैं भले मेरे पैरों से चलकर घर से मेरे यहां आया हूं, लेकिन मेरे पैरों में जो ताकत दी है वो मोदी जी ने दी है। ये कितनी बड़ी बात है। एक सामान्य परिवार का आदमी, हमारा मुसलमान भाई है, उसको ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं था, उसके दोनों घुटने खराब हो गए थे, ये योजना के कारण उसके दोनों घुटने सही हो गए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है। मनरेगा हो, हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिसका जिक्र सब लोगों ने किया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, आपका वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इस देश में 2022 तक कोई भी बिना घर का न रहे, ये हमारे मोदी जी ने संकल्प किया। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। मैं बीच में कलकत्ता गया था, रघुवर दास जी, कलकत्ता गया, मैंने वहां पे देखा, योजना तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन वहां पे चेकिंग के लिए मैं गया तो मुझे लगा प्रधानमंत्री आवास योजना का स्टिकर लगाया है, तो स्टिकर को निकाला तो उसके नीचे लिखा है बांग्ला आवास योजना। अभी इस तरह से अगर लोग इसका गैर व्यवहार करने लगे तो फिर जो गरीब आदमी है उसको घर कैसे मिलेगा। इसी तरह से मनरेगा में कई लोग इसी तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। तो हमारे सरपंच जी को अभी सबको एक एक पुस्तिका हमारे अध्यक्ष जी ने दी है, उसमें सारी गाइडलाइन दी है किस तरह से आप काम कर सकते हैं, किस तरह से आपको इसका बेनिफिट हो सकता है, ये सारा ध्यान में रख के आपको आगे काम करना है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे झारखंड के सारे जो मुखिया हैं, जो बहुत बड़े संख्या में यहाँ पे चुन के आए, टोटल जिला परिषद मेंबर हमारे 536 है, लेकिन बीजेपी के 243 चुन के आए हैं, ग्राम प्रधान 4345 है, लेकिन हमारे 2377 चुन के आए, टोटल पंचायत प्रतिनिधि सीट 5341 है, इसमें से बीजेपी के 2741 है, लगभग ये 60-65% के ऊपर है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये जो चुनाव हुआ है 6 महीने के पहले आज तक, ये इस राज्य की सरकार को बदलने के लिए शुरुआत हुई है, ऐसा समझेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिर में हमारे गांव से ही शुरुआत होती है। गांव के लोग इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड पे बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि इस झारखंड के लोग मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर भरोसा करके निश्चित तौर पर इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। हमारे मंत्रालय के माध्यम से हर एक स्टेट में अलग अलग जगह पे हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। जो सस्टेनेबल गोल है, वो गोल एक एक दो दो गोल अचीव करने के बारे में पंचायत को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। लखनऊ में अभी प्रोग्राम होगा, फिर पुणे में हो गया, उसके पहले पंजाब में हुआ, फिर आपके यहाँ पे भी होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब इसके पहले हम मेरे मंत्री बनने से पहले, गिरिराज सिंह जी के मंत्री बनने से पहले, हम लोग पुरस्कार देते हैं। हमारे मंत्रालय की एक योजना है, वो 350 पुरस्कार उस वक्त दिया करते थे, हम लोगों ने उसको 35 पे सीमित कर दिया है। जिसको 5 लाख का पुरस्कार था उसको 50 लाख कर दिया, और 50 लाख था उसको 5 करोड़ कर दिया। इस तरह से पुरस्कार की राशि बढ़ाई है। ये इसलिए बढ़ाई है कि हमारे पंचायत के मुखिया इस तरह से काम करें, उनको इतनी धनराशि पुरस्कार में मिले कि अपने गांव का सर्वांगीण विकास वो राशि से वो करे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस तरह से आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके गांव को पुरस्कार मिलेगा, और प्रधानमंत्री के हाथों से वो पुरस्कार दिए जाते हैं। गए साल 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में पल्ली गांव में पुरस्कार का वितरण हुआ था। पल्ली गांव में क्यों हुआ, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारी फाइल भेजी थी कि हमको ये कर्नाटक में करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, कर्नाटक में नहीं, जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में करना है। तो हम लोगों ने वहां पे किया। वहां पे क्यों किया, क्योंकि वो पंचायत में, जैसे हमारे रघुवीर दास जी ने कहा कि सोलर ऊर्जा पे सारा पावर स्ट्रीट लाइट चल रहा है, तो वो गांव में सोलर ऊर्जा के ऊपर वो गांव में चलने वाले इंडक्शन चूल्हे, पावर जो जो है, सब सोलर ऊर्जा के ऊपर डाल दिया। ये पहला गांव देश का बना है,
जिसने सोलर ऊर्जा पे अपना गांव वहां पे प्रकाशित किया है और इससे कार्बन विसर्ग उस गांव का कम हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने 10 मिनट का टाइम दिया था पंचायत के सदस्यों से संवाद करने का, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आधा घंटा उन पंचायत के सदस्यों से संवाद किया। आप सोचिए, एक गांव के सरपंच के पंचायत के मेंबर के साथ आधा घंटा प्रधानमंत्री जी जब संवाद करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कुछ विशेष किया। हमको इसी तरह से विशेष काम करना पड़ेगा। हम लोग जब कोई पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में एक गाना आता है, गाने में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं पीछे, उनका उनको जो ड्रेस दिया जाता है एक जैसा ड्रेस होता है, लेकिन मेन आर्टिस्ट जो हीरोइन रहती है उसका अलग ड्रेस होता है। क्यों अलग ड्रेस होता है? क्योंकि वो हीरोइन के ऊपर हमारा फोकस रहे, हमारी नज़र उसके ऊपर जाए, इसलिए उसको अलग ड्रेस दिया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह से काम करिए कि पूरे झारखंड का फोकस आपके गांव के ऊपर आए, आप ही आप दिखे। इस तरह से काम करें कि आपसे प्रेरणा लेके झारखंड का हर गांव काम करे और झारखंड भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करने का काम करे, और हमारे अध्यक्ष जी का नाम दीपक और प्रकाश दोनों है, वो प्रकाश करे, रघुवर दास जी का प्रकाश करे, बाबूलाल मरांडी जी का करे, हमारे सारे सांसद साथी है यहाँ बैठे हैं इनका करे। दूसरी आदि आदर्श ग्राम योजना, जो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना आई है, 641 गांव आपके यहाँ से चयनित किए गए हैं। मेरे यहाँ पे 126 गांव है, मैंने एक साथ 126 गांवों को स्वीकृत किया है। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि पहले फेज में 25% लेना है, लेकिन मैंने सब गांव को लिया है। आपको भी मुझे लगता है कि सब गांव को लेना चाहिए, क्योंकि आपके केंद्रीय मंत्री जो है वो यही से है, अर्जुन मुंडा जी है यही से है, उनके मंत्रालय की ये योजना है। ऐसे 17 मंत्रालय है जो गांव में काम कर सकते हैं, कोई ना कोई काम 17 मंत्रालय के माध्यम से गांव में हो सकता है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पानी डिपार्टमेंट हो, आरडी रूरल डेवलपमेंट हो, हमारे पंचायत राज हो, ऐसे कई डिपार्टमेंट है जो गांव के विकास के लिए योगदान देते हैं, काम करते हैं। ये सारे गांव के सारे मंत्रालयों का योजनाओं का गांव को लाभ देने का काम इसके माध्यम से आप निश्चित तौर पर कर सकते हो, और 641 गांव अगर आप आदर्श करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि झारखंड के ये गांव देखने के लिए भारतवर्ष से सभी सरपंच यहाँ पे आएंगे और उस गांव को देखेंगे और कैसे आदर्श गांव होते हैं वो झारखंड में जाके देखिए। इस तरह का भाषण, जैसे मैंने आपको पल्ली का उदाहरण दिया, इसी तरह का उदाहरण मैं झारखंड के गांव का दे सकूं, इस तरह से काम करिए, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे यहाँ पे बुलाया इसलिए दीपक प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सभी को अच्छे काम के लिए फिर से एक बार शुभकामनाएं देके मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाटिल जी। मित्रों, थोड़े देर आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आप सभी प्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन पार्टी के द्वारा किया गया है, लेकिन उसके प्रतीक के रूप में मंच से सभी प्रतिनिधियों में से एक एक को मन से हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, उनके माध्यम से अभी अभिनंदन पत्र दिया जाएगा। आपको जो अभिनंदन पत्र मिला है कृपया अपने हाथ में निकाल लेंगे, जब फोटो सेशन होगा तो कृपया उसे उठाएंगे। हमारे पीछे जिला परिषद के सदस्य के लिए हिंदिया टोपो लापुंग की रहने वाली है, हम आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे अपने मुख्य अतिथि। जिला रांची मुखिया रीना सोरेन, गोड्डा आरती दुबे, गढ़वा प्रमुख है, उप प्रमुख विश्रामपुर की है, उप प्रमुख गोपाल कृष्ण अग्रवाल घाटशिला के हैं, उप मुखिया निरंजन कुमार महतो कांके रांची से हैं,
पंचायत समिति सदस्य, फिर से पढ़ते हैं एक अंक, पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र रविदास गिरिडीह के हैं, पीछे जो जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनसे आग्रह होगा कि अपने आपको जो अभिनंदन पत्र मिला है उसको लेकर आगे आए, फोटो सेशन एक बार हो जाए। आइए पीछे वाले,